2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ठोकेंगे पीएम मोदी के सामने ताल। सपा सांसद ने अखिलेश यादव को बताया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। सपा के सांसद के बयान के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक मचा सियासी हल्ला। अब सवाल, नीतीश कुमार या फिर अखिलेश यादव, कौन होगा पीएम कैंडिडेट? लोकसभा चुनाव की धमक पुरजोर तरीके से सुनाई दे रही है। तमाम सियासी दल अपनी पिच तैयार कर जीतने की कोशिशों में लगे हैं। तो वहीं सवाल था कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के पद का दावेदार कौन होगा। जाहिर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दावेदार बता रहे हैं, तो वहीं अब नीतीश कुमार भी रेस में शामिल हैं। लेकिन सपा सांसद एसटी हसन ने आज जो दावा किया उसे सनसनी फैल गई। मुरादाबाद से सपा के सांसद एसटी हसन ने अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल बताया, साथ ही दावा किया कि वो एक सफल प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। ऐसे में अब सपाई जोश में दिखाई दे रहे हैं और सपाइयों का कहना है कि हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाकर ही रहेंगे। लेकिन मामले पर खुद अखिलेश यादव का क्या कहना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। बताएंगे कि अखिलेश यादव का इस ऐलान पर क्या कहना है, लेकिन पहले जानते हैं कि बहस की शुरुआत कहां से हुई और फिर अखिलेश यादव के नाम को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सांसद एसटी हसन ने प्रस्तावित किया। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ आने के बाद एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन की बात शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी संभावित पीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद ने अब सपा मुखिया अखिलेश यादव को पीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल बताया है। सांसद एसटी हसन ने पूछा कि अखिलेश यादव क्यों पीएम उम्मीदवार नहीं हो सकते। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत प्रीमैच्योर है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव का चेहरा और व्यक्तित्व पीएम कैंडिडेट के तौर पर परफेक्ट है। वे दावेदार ही नहीं बल्कि वो एक कामयाब प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी रेस में शामिल हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का रुख जानना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव की राय कुछ जुदा नहीं है। दरअसल बिहार में जेडीयू आरजेडी के साथ आने के बाद अखिलेश यादव ने भी इसका स्वागत किया था और कहा था कि सभी दल आने वाला चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। जब उनसे नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि देश को पीएम कैंडिडेट मिलेगा, लेकिन कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इन दावों के बीच सवाल विपक्ष की एकता के भी उठाए जा रहे हैं और विपक्षी एकता पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि विपक्षी खेमे में अहम का बड़ा टकराव है। राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, एमके स्टालिन की छिपी महत्वाकांक्षा भी है और ममता बनर्जी और केसीआर भी हैं। इनमें से कई पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। वे अंतर विरोधों का पिटारा हैं। देवेगौड़ा के दिनों से लेकर मुलायम लालू की लड़ाई से लेकर लालू नीतीश की लड़ाई तक अपने अलग अलग अवतारों में जनता दल के कई विरोधाभास रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि देश पीछे हटना पसंद नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव का एक अलग मैट्रिक्स है, लोग सुरक्षा और स्थिरता के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। विपक्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों की अपनी अपनी पसंद पर एकजुट नहीं हो सकता है। इससे पता चलता है कि ये दल कितने असंतुष्ट और भ्रमित हैं। ऐसे में सपा सांसद एसटी हसन के बयान से अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद की रेस में प्रबल दावेदार दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर प्रहार कर अपनी छवि बेहतर बता रहा है। कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा और किसके सिर ताज सजेगा वो वक्त और चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सियासी धमाचौकड़ी का दौर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री की रेस में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।